हे गाइज़, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गाइस, अगर आपके फ़ोन में यहाँ पर फिंगरप्रिंट है और काम नहीं करता, तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या करना होगा जिससे यहाँ पर जो फिंगरप्रिंट की जो प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी 100%। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लास्ट एंड तक देखिए, और इस वीडियो को अगर आप स्किप करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। और अगर जब इस चैनल पर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन दबा कर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए। उस वीडियो को लाइक कर लीजिए क्योंकि मैं ऐसे वीडियो के लिए लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर गाइज, आप फिंगरप्रिंट यहाँ पर आपकी उंगली जब लगाते हैं तब यहाँ पर ऑप्शन आता है गाइज कि यहाँ पर साफ़ कीजिए, बल्कि यहाँ पर ऊपर ऑप्शन आता है या फिर यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर गाइज इस वीडियो में आपको बताऊँगा, तो ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर गाइज आपको क्या करना होगा, सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद गाइज यहाँ पर आपके जो फिंगरप्रिंट है, फिंगरप्रिंट के ऑप्शन में जाना होगा बायोमेट्रिक एंड सिक्योरिटी में। यहाँ पर गाइज आपके पास अगर दूसरा फ़ोन है सैमसंग के अलावा तो यहाँ पर आपको दूसरा ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर गाइज के अंदर जाने के बाद यहाँ पर फिंगरप्रिंट में जाइए, जो पासवर्ड है वो आप डाल दीजिए। यहाँ पर डालने के बाद गाइज यहाँ पर आपको क्या करना होगा, आपको जो यहाँ पर फिंगरप्रिंट है गाइज इसे यहाँ पर आपको रिमूव कर देना होगा। यहाँ पर आपको दोनों को भी रिमूव कर देना है। दोनों को भी रिमूव करने के बाद गाइज यहाँ पर आपको फिर से नया जो फिंगरप्रिंट है आपका वो यहाँ पर डालना होगा। सबसे पहले याद रखिए गाइज, जो आपका जो फिंगरप्रिंट का जो सेंसर है उसे यहाँ पर आपको अच्छी तरह से साफ़ कर लेना होगा कॉटन से। इसके बाद ही यहाँ पर आपको जो फिंगर है वो आप लगाइए और हर पोजीशन में रख के यहाँ पर आप सेट कीजिए आपका फिंगर। इसके बाद गाइज यहाँ पर आपको क्या करना होगा, आपका जो फ़ोन है वो आपको रिस्टार्ट करना होगा जिससे यहाँ पर 101% आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। और यहाँ पर आपको चेक कर लेना है गाइज, सेटिंग में जाकर यहाँ पर आपके फ़ोन में कोई अपडेट आया है या नहीं देख लेना होगा। तो यहाँ पर हर एक फ़ोन में रहता है गाइज सॉफ्टवेयर अपडेट। इसके अंदर जाने के बाद यहाँ पर आपको डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लेना होगा जिससे यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि कोई अपडेट आया है या नहीं। जिससे यहाँ पर गाइज ये इस फ़ोन के अपडेट में गाइज यहाँ पर फ़ोन का जो सो हर एक फंक्शन का जो सो अपडेट आता है गाइज, तो यहाँ पर आपको अपडेट करते रहना होगा आपका फ़ोन भी। तो यहाँ पर गाइज आप ये करके देखिए जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।